महीने का तमगा आपके लगा हुआ था कि बाहरी व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया गया। पाँच साल में कितने दिन आप गाँव में दौरे पर रहे, आप खुद कहते हैं थोड़ा स्थानीय हो गए। देखिए, मैं समझता हूँ कि आदमी का जहाँ चूल्हा चलता हो, रात को सोता हो और नहाता हो, वो उसका स्थानीय कहलाता है। मैं कह सकता हूँ कि सांसद बनने के जिस दिन मैं आया था, उस दिन किसी आदमी को यकीन नहीं था कि ये आदमी यहाँ टिकेगा, लेकिन मैं पाँच साल पूरे के कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे बच्चे के जो विरोधी है उसे भी अगर पूछो तो वो भी ये बात मानता है कि महीने में 20 दिन का समय मैंने अपने क्षेत्र में दिया है। मैं टोंक के अंदर में मेरा निवास है, टोंक के अंदर में रहता हूँ, इससे बड़ा स्थानीय और क्या हो सकता है। लोकसभा के चुनाव स्थानीय और गैर स्थानीय होता ही नहीं कहीं भी, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी जनता के बीच में दूँ, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में दूँ, ताकि कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिल सके और क्षेत्र के जनता के कार्य ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें हम। देखिए, अब भाजपा में भीतरघात की बात हमेशा की जाती रही है और ये सब जब जाहिर है पूरा, जो लोगों ने पाँच साल देखा है, अब ये संसदीय चुनाव है, संसद क्षेत्र का चुनाव है, सबको साथ लेके चलने की बात है, किस तरह मनाने को चाहिए लोगों को? देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने पहले दिन भी ये बात कही है, हालांकि कहीं ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कहा, जब प्रत्याशी आदमी बनता है उस सबका फर्ज बनता है, कोई भी आदमी नाराज हो उसको दंडवत प्रणाम करते हुए मैं सबको मनाऊं। और मेरे क्षेत्र के अंदर में मैंने बताया कि अब से पहले जो भी कोई विधानसभा में कहीं ना कहीं आपस में कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, उन सबको ठीक कर लिया, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लोगों ने टोका नहीं था, कार्यकर्ताओं में नाराजगी नहीं थी, लेकिन कार्यकर्ता ये तो कम से कम हमें टोके तो सही। मैंने सबको टच कर लिया, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने, संगठन ने, सब ने हमने मेहनत की है और आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि हमारे जिले के अंदर में किसी प्रकार का भी कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हमें कोई भीतरघात घेरना पड़ेगा। ये महायज्ञ है, इस महायज्ञ में सब आहुति डालने के लिए तैयार बैठे हैं। आज ये टिकट जैसे कल से डिक्लेयर हुई है, लोगों की भीड़ उमड़ रही है और सबका एक ही मन है कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाए। मैं समझता हूँ कांग्रेस का मुकाबला हम ना किसी खाते में गिनते हैं और ना गिनने की जरूरत है। जिस हिसाब से अभी चर्चा चल रही है कि हो सकता है नमोनानी जी दोबारा आएँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि हिले हिले दोबारा अगर मान कहें ना कि पिछली बार भी 318 से बेईमानी से जीत के गए थे, उसका बदला हम आपकी बार ऐसा लेके दे देंगे कि 2 लाख वोटों से हरा के ना भेजें तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 25 के 25 सांसद आपको जिता के देंगे। ये हम कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सुखबीर सिंह जौनापुरिया जिंदाबाद।